जाड़ा चढ़ रहा है देखो, गरीब बेचारा बैठा हुआ है। तो दोस्तों वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे आप लोग, आशा करता हूँ बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी एकदम ठीक हूँ और आज दिन थोड़ा सा गर्म हो गया, गर्म मतलब धूप निकलने लगी है। ये देख रहे हो सामने, बादलों से सूरज निकलने की कोशिश कर रहा है पर बादल और ये कोहरा इतना होकर रखा हुआ है कि उसे निकलने नहीं दे रहे हैं। फिर भी थोड़ी थोड़ी गर्माहट लग रही है दिन में आज। और दोस्तों कल के हादसे के बाद बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब सा लग रहा है, मैंने घर पे भी नहीं बताया था, पर वो आज कल का ब्लॉग देखेंगे तो पता ही चल जाएगा। मैं सोच रहा था अम्मा को नहीं दिखाऊंगा मैं, और पता है दीपक को तो बुखार ही आ गया। उस टाइम पे तो हम लोग ऐसे थोड़े फनी फनी वे में रह गए, लेकिन उसने ना अंदर से सीरियस ले लिया, उसके बिना रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये सोया पड़ा है दीपक, क्या हो गया, जाड़ा चढ़ रहा है? बुखार आ रहा है। अरे तो बुखार आ रहा है तो मुझे ही पता, जाड़ा चढ़ रहा है। इतने सारे तूने कपड़े डाल रखे हैं, गर्म पानी खुराक नहीं ली? सपने में नहीं होता वो, जो चीज सोचते रहते हैं ना वो फिर रात में आता है। मैं अभी बाजार जा रहा हूँ चंचल दीदी के साथ, वो पानी गर्म कर रही है, अब नहीं कर रही है। क्या जलेबी? बट मेरे पास पैसे नहीं, पैसे नहीं है मेरे पास। दोस्तों इसकी तो हालत बुरी हो गई है, समझ नहीं आ रहा कि मतलब वो होते हैं ना एक हैदक बैठ जाती है ना, तो वो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी चल रहे हम बाजार में, तो बाजार में आ गए। ये मेरे यहाँ का बाजार है और सब्जी वब्जी तो सब ले लिए चंचल दीदी ने। अब ले रहे हैं अक्षय के लिए जूते, बताओ कितने लेने हैं? 240 रुपए बता रहे हैं, अब 220 बोल रहे हैं। कल तो बहुत महंगे बता रहे हैं, रख लो 200 रुपए का जूता था ये। दूसरी दुकान पर देख लेंगे, कोई जरूरत था ये कहीं मिलने कहीं नहीं ये जूता, क्या बात कर रहे हो यार। रुपए का नहीं मिलेगा ये जूता, कितने का मिलेगा? 180 रुपए का मिलेगा। चलो 150 ले लो, मैं आप जायज वाले बोल रहा हूँ, तुमसे ले रहे इस वजह से 150 बताओ। देखा इन्होंने 50 रुपये उंगली लिए मेरे से, पर कोई बात नहीं यार, ये भी बेचारे अपने काम के लिए बैठे हुए यहाँ पे। तो क्या ये देखो बढ़ाओ तो पन्नी में रख। आजकल तो इतने बढ़िया बढ़िया किट चल रही हैं, इसके ले रही हूँ मैं अपने खुद अम्मा के पहने के। तो अपने भी ले लो, सर्दियों में पहने जाते जूते तो। कहाँ कर दे भैया, ये देखो दोस्तों जूते ले चुके हम। अरे डिब्बा दे दो भाई, थोड़े महंगे लगेंगे डिब्बे में। फिर से मुझे मार्केट में जाना पड़ रहा है, मतलब मेरे गांव के बाजार में। और मेरे साथ जा रही है बहुत ही चुलबुली। इसके आगे जैसे कैमरा लगाओ लाइक और सब्सक्राइब, जल्दी चल बाजार में एकदम चल रहे हैं। कहाँ जा रहे तू साथ में? वहाँ रुका रह गया, बाय बाय। दोस्तों शेरू हमारे पीछे पीछे आ रहा था लेकिन मैंने डांट दिया, वो मौका वहीं रुक गया, वापिस चला गया। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ बाजार में और मेरा इकलौता दोस्त बाजार में है, दुकले था एक जम्बू वाला है कि बस दो ही दोस्त थे मेरे। ये देखो गरीब बेचारा बैठा हुआ है। गरीब नहीं है ये, बहुत अमीर है। आज इसके पास क्या क्या सब्जी देखो, सारी सब्जी बेच रहा है जी। अरविंद आज तेरे यहाँ पे मैं कुछ खिलवा दे, टमाटर खिलवा दे, प्याज खिलवा दे। अच्छा आंटी आप इससे लेके जाते हो सब्जी? सही है, ग्राहक बांध रखे तूने सारे अपने। ये आंटी इसी से लेके जाती है सब्जियां सारी, बहुत लोग इसी से लेके जाते हैं, ग्राहकों से बहुत प्यार से बात करते हैं। गरम गरम जलेबी 25 रुपए की, क्या रेट है ये? एक पाव 30 रुपए, एक पाव कर दो, एक पाव ले लें। दीपक को तो लाभाव में मिल गई जलेबी,
ये दोस्तों हमारी जलेबी मिल चुकी है। अब अंदर इसमें गांठ लगाना, गांठ लगा दे, रुक रुक तो हाथ पाओ पहचान। अरविंद के पास जाएंगे तो हमारी जलेबी खा लेगा। 20 रुपए की सारी लिया ना अरविंद का। हाँ जी, तो अभी चलते हैं घर पे, गर्म गर्म जलेबी खिलाते हैं। लोग वहाँ टोकने लग जाते हैं, जो जानने वाले मिल जाते हैं वो टोकने लगते हैं। और यहाँ से देखो क्या बाजार में भीड़ लगी हुई है इस टाइम, विकट वाली। इस टाइम तो पूरा भर जाता है। शेरू आ रहा था, मैंने डांट दिया उससे, वो रुक गया वहाँ का भाई। तो अभी हम खाएंगे जलेबी और शेरू खाएगा पाले जी। शेरू के लिए पाले ले लेंगे, है ना। शेरू आ चुका है। शेरू देख, शेरू के लिए मैंने पाले जी ले लिया, क्योंकि शेरू यहाँ पे खड़ा हुआ इंतजार कर रहा था। गिर ले पाले जी, पाले जी खाएगा। आजा आजा अंदर, आजा अंदर, ऊपर आजा, ऊपर ऊपर आजा, जल्दी ऊपर आजा। शेरू ले आ, जल्दी आ गया शेरू, भाग के आता एकदम। पाले जी के नाम पे पाले जी इसमें डाल दिया है, थोड़ा मैं ले लेता हूँ। खा ले तू ये पाले जी, खा। जलेबी खिलाएंगे दोस्तों इसे, तो फिर खुजली हो जाएगी। खुजली तो वैसे इतनी हो रही है। मैं पाले जी, और ये देखो सामने आग जल रही है हमारी, हाथ सेक लेते हैं तो। ये हमारी जलेबी निकल चुकी है, थैली में से निकाल लिए। एक अवंती का दे देते हैं, क्योंकि अभी घर में बाकी सब लोग हैं, थोड़ी थोड़ी सबको खिला देंगे। दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले ही मैं किसी काम से बाहर आया हुआ था, और जैसे ही वो काम करके बाहर लौटा तो ये आप देख सकते हो कितना कोहरा आ गया यार। अभी मुझे दो दो रोड क्रॉस करनी है, और फ़ोन की लाइट में फ्लैश जला कर रखूँगा, क्योंकि रोड क्रॉस करते समय ये जला कर रखनी सही रहती है, दिख जाता है ना सवारी वाले को। ये देखो कितना कोहरा है रोड पे, कुछ दिख नहीं रहा है, लाइटें लाइटें दिख रही हैं भाई। मैं कैब भी उड़ के नहीं आया दोस्तों, मैं कैब उड़ के भी नहीं आया। मुझे तो ये था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन वहाँ टाइम लग गया मुझे, और हर चीज़ दिखाना मुझे लगता है कि यार आप लोग बोर ना हो जाओ, इसलिए बस सोचता हूँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखाऊँ आप लोगों को। लेकिन यार इतना कोहरा आया तो फिर तो बनता है दिखाना। दोस्तों मैं घर पर आ चुका हूँ अपने, और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं तो ये लड़की की तरफ से परेशान हूँ भाई। ये हैरान करते रहते, सब लोग अपने अपने अंदर बड़े पड़ रहे हैं, ये बेचारे यहाँ पर सबके लिए चाय बना रही है। क्या कर रही हो बहन? चाय बना रही। ये तो दूध है, अभी डालूंगी सामान। क्या सामान? क्या हुआ, कैसे उदास बैठी हो आज? तुम्हारे दुख, तुम हमेशा रोने ही रहती है। क्या हो गया? जीना लग गया था ना, कल आके बताई भी ना, ब्लॉग में कितनी वो लग जाती है, आंखों फूट जाती, मुंह पे आ जाता, तो क्या होता बता? कोई नहीं, मन पड़ा रहा बस, देख देख के जीना लगता। तुम सब लोगों का आशीर्वाद है ना मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं होगा। और ये बवाल एक तरफ रहा, कोई बात नहीं, इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। सब लोगों का प्यार आशीर्वाद सब, तो वो दूध निकल गया, दूध निकल गया आराम से। जरूरी था कि पत्थर लगावा चूल्हे में, वैसे कर लेता। कोई बात नहीं, ऐसे होता रहा। आप देख सकते हो इतना कोहरा, जैसे मैंने आपको दिखाया रोड पे तो दिख ही नहीं रहा था, और इतने कोहरे में चाय बन रही है हमारी। बनकर रेडी है, अंदर चली गई चाय, और यहाँ पे देखो मैं भर रहा हूँ अपने कोयले, यहाँ से देखेंगे। अब देखो एकदम लाइट जैसी लग रही है ना, जैसे लाइट होती है। अब ये कोयले भर लेते हैं, और उसके बाद अंदर लेकर जाएंगे, क्योंकि आराम से चाय के साथ हाथ सेकते रहेंगे। ठीक है, चलते हैं अभी। तो अंदर पूरा गजरोला ढक चुका है एक कोहरे से, और धीरे धीरे बारिश हो रही है, और बारिश में चल रही है हमारी चाय। ये
इतने ठंडे कोहरे में चाय पीने का मजा तो अलग ही है। और मेरी आवाज़ ऐसी लग रही होगी, ऐसे मैं कितनी स्लो स्लो बोल रहा हूँ ना, पर मैं काफ़ी तेज बोल रहा हूँ, आवाज़ निकल रही है। देखा ना दीदी कितनी परेशान हो गई थी, और आप लोग भी कितने परेशान हो गए। मुझे पता है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेरे बारे में आप लोग इतना सोचते हो, इतना मतलब ध्यान रखते हो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दोस्तों मैं एकदम ठीक हूँ, मेरी आँख भी ठीक है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी आँख में। और घर पे सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो मैंने सबको समझा दिया है कि बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। तो दोस्तों अभी ये ब्लॉग यहीं पूरा करते हैं चाय के साथ अपनी, मिलते फिर नए ब्लॉग में। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर तब तक के लिए बाय बाय।